मंदसौर में ईद मिलादुन्नबी पर निकल रहे जुलूस में विवाद का माहौल पैदा हो गया, जिसको लेकर दो पक्षों में एफआईआर दर्ज की गई। मंदसौर पुलिस प्रशासन द्वारा मामले को देखते हुए दोनों पक्षों को समझाइश दी गई। वहीं पूरे मामले को लेकर एसपी द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। हालांकि मंदसौर में धारा 144 लगा दी गई है, मंदसौर में शांति बनी हुई है। वहीं पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी पुलिस प्रशासन से आग्रह किया कि जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है उनको सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाए। शहर में किस तरह का माहौल है? शहर में जो मिलादुन्नबी की जुलूस निकल रही थी तो उसकी जो है उसके खिलाफ एक शिकायत आई है कि जो एक पक्ष के द्वारा तो उनके साथ जो है जो लाठी चलाने के टाइम जो है उसमें चोट लगी है और दूसरे पक्ष का और भी कुछ बात है जो आवेदन के माध्यम से वो शिकायत कर रहे हैं, जिसके उनको जो पक्ष है जो शिकायत कर रहे हैं उनको थाना कोतवाली जो है उपस्थित है, वो थाना कोतवाली उनसे आवेदन प्राप्त करके जो कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। साथ ही मैं सभी पक्षों से बोलना चाहूँगा कि इसमें जो है पूरी शांति व्यवस्था कायम रखे, पूरी स्थिति पूरी नियंत्रण में, किसी तरह की भ्रामक जानकारी न फैलाएं और मैं सभी लोग सभी समाजजनों से जो है अपेक्षा करता हूँ कि शांति व्यवस्था कायम रखें। ईद के पर्व पर मुस्लिम समाज के द्वारा जो धर्म जुलूस का आयोजन किया जा रहा था मंदसौर शहर में, स्थानीय नेहरू बस स्टैंड के आसपास एक धार्मिक स्थल पर अचानक से हुई पत्थरबाजी को लेकर शहर का माहौल गरमाया हुआ है, भगदड़ मची हुई है, व्यापारी व्यवसायियों ने अपनी संस्थानें बंद कर ली है, तरह तरह की अफवाहें भी चल रही है। पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन का प्रथम दृष्टया यह दायित्व बनता है कि वे आम नागरिकों के बीच इस बात की सुनिश्चितता प्रदान करें कि वे सुरक्षित रहेंगे, उनकी जान माल की पूरी रक्षा की जाएगी तथा गणेश चतुर्दशी के पर्व पर जिस प्रकार से आरती आराधनाएं शहर में चल रही है वे शांतिपूर्वक चलती रहेगी तथा 17 तारीख को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भी जो झांकियां निकलेगी, जो धर्म जुलूस निकलेगा, उसमें भी किसी प्रकार का कहीं व्यवधान न हो, यह भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को सुनिश्चित करना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इस बात की ताकीद भी करे, तहकीकात भी करे कि उस जुलूस में कैसे लोग, कहाँ के लोग, असामाजिक तत्वों ने अगर यह षड्यंत्र पूर्वक अपराध किया है और कानून को अपने हाथ में लिया है तो स्थान स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनको खंगालने का काम करें और मंदसौर शहर में शांति बहाल हो, इस बात की पूरी विश्वास और भरोसा जनता को दिलाए। मैं भी आम जनता से यह उम्मीद करूंगा कि वे अफवाहों से सावधान रहें तथा शांति बहाली में सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।